दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मोदी जी आम जनता को लूट रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आप YouTube पर खूब देख रहे होंगे, खास करके जब इलेक्शन सिर पर है तो मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। लेकिन क्या ये सब सही है? क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मोदी सरकार ने चोरी की है या फिर माजरा कुछ और है? क्या है असली सच्चाई? किस तरह देश की सरकार हमें बेवकूफ बना रही है? क्यों जनता इस पर सवाल नहीं उठा रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट सरकार की नीतियों को लेकर बार बार सुनवाई कर रहा है? क्या है असली वजह? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो में मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपको चारों तरफ ये खबर सुनाई दे रही होगी कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला, जहां लगातार भाजपा और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी जी की इंटरनेशनल हफ्ता वसूली तक कह दिया है। और फिर इसके बाद कई सारे यूट्यूबर्स ने SBI द्वारा प्रोवाइड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा की लिस्ट में भ्रष्टाचार निकालना शुरू कर दिया और मोदी जी को तानाशाह हफ्ता वसूली करने वाला बता दिया। लेकिन अब लोगों को ये कौन बताए कि ऐसा पहली बार मोदी सरकार में ही हुआ है, जहां आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनीतिक पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है और कितना चंदा दे रहा है। क्योंकि इसके पहले तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने जमकर चंदा लिया, लेकिन किससे चंदा लिया, कितना चंदा लिया और चंदा कहाँ से आ रहा है, चंदा आने के बाद कहाँ जा रहा है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया और ना ही कोई स्कीम बनाई गई। आज कम से कम मोदी जी की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की वजह से एक लिस्ट तो है, जिसे पकड़कर सभी लोग मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब आपने मोदी जी के खिलाफ चल रही बातों को तो अच्छे से सुन लिया, अब जरा ये भी जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या और क्यों इसके पीछे इतने बवाल कट रहे हैं। अगर आपको मालूम हो तो एक छोटे से सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए भी 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं, MLA का चुनाव लड़ने के लिए 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं और एक MP का चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आता है। लेकिन आखिर ये पैसा आता कहाँ से? तो दोस्तों, इसमें कुछ पैसा तो चुनाव लड़ने वाले को जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसे देना पड़ता है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मुझे वोट दो, इस चीज की पब्लिसिटी में भी बहुत पैसा खर्च होते हैं और कई सारे लीगल और इलीगल तरीके होते हैं जो उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आते ही उम्मीदवारों के जितने पोस्टर दिखेंगे, जितना विज्ञापन दिखेगा या फिर कह लीजिए जितना भौकाल मचेगा, उतने ही ज्यादा वोट उम्मीदवार को मिलेंगे और इन सारी चीजों में पैसा लगता है। पर उम्मीदवार इतना पैसा लाए कहां से? खुद की जेब से इतना पैसा लगा दे तो रिकवर करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्या पता चुनाव हार गए तो सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, अगर चुनाव जीत गए तो सारा पैसा कुछ ही समय में डबल होकर आ जाएगा, लेकिन अगर हार गया तो उम्मीदवार अपना हाथ मलता रह जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की ये मजबूरी बन जाती है कि वो चंदा ले और चुनाव लड़े। अब चंदा लेने वाला, चंदा देने वाला दानी, जिसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इस तरह के लोग आजकल मिलते कहाँ। इसलिए उम्मीदवार जिससे भी चंदा लेते हैं उसके बदले में कोई ना कोई फेवर करते हैं। आजादी के बाद से ही भारत में ऐसा होता आ रहा है, फिर चाहे कांग्रेस का राज हो या फिर भाजपा का। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो कोई भी उम्मीदवार चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन चुनाव बिना चंदे के हो नहीं सकता और बिना फायदा लिए चंदा मिलता ही नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को साल 2018 में केंद्र की भाजपा सरकार लेकर आई थी, लेकिन ये आइडिया साल 2013 में निकाला गया। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार चल रही थी।
दोस्तों कांग्रेस की सरकार की स्कीम में सारी कॉरपोरेट कंपनीज मिलकर पैसा इकट्ठा करती है और फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट पैसों को सभी पार्टियों में बांट देता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ताधारी पार्टी इससे ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करती। कॉर्पोरेट चंदा देकर खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो उन्हें आगे चलकर फायदा तो हो गई। हालांकि उस वक्त के हालातों को देखते हुए साल 2018 में बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई, ये सोचते हुए कि इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा जिसके जरिए वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। दोस्तों इस योजना से पॉलिटिकल फंडिंग में दो लेवल पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, जहां पहले तो चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा राजनीतिक पार्टी को भी ये बताना होगा कि उसे कुल मिलाकर जनता की तरफ से कितना चंदा मिला। दोस्तों इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छे मकसद से हुई थी, लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साल 2018 में जब इसे लाया गया था तब इसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज वही पार्टियां इसका विरोध कर रही है। जहाँ यूट्यूब में चारों तरफ ये खबर चल रही है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है और वो पूरा 50% अपने नाम कर रहा है, यानी कि टोटल 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। जो लोग बीजेपी सरकार पर ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं वो साल 2018 से पहले ये डाटा नहीं दिखा रहे हैं, जिसमें सत्ताधारी पार्टी आधा नहीं है बल्कि आधे से ज्यादा चंदा अपने नाम करती थी। वहीं भाजपा सरकार ने तो जब से इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है तब से उसे 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है, जिसमें से उसने सिर्फ 6,000 करोड़ ही अपने नाम किए, बाकी के 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को मिले। इतना ही नहीं, बीजेपी पार्टी का ये भी कहना है कि साल 2000 से पहले जितने भी सरकारें थी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से लाखों का चंदा लेती थी, जिससे सिर्फ कुछ ही हजार रुपए पार्टी फंड में डाले जाते थे और बाकी पैसा नेता लोग अपनी जेब में डाल लेते थे। ऐसा न जाने कितने सारे जनता का पैसा नेताओं ने अपनी तिजोरियां भरने में लगा दिया, लेकिन शुक्र है मोदी सरकार का कि इस बार जनता का पैसा कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह ट्रांसपेरेंसी है, चीजों को इतना पारदर्शी रखा गया है कि एक एक रुपए का हिसाब किया जा सकता है, जो कि सच में काबिल तारीफ है। अगर मोदी सरकार चाहती तो छुपकर ये सब कुछ करती और अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भाजपा की इसी अच्छाई के चक्कर में आज उसे इतनी बातें सुननी पड़ रही है। तो दोस्तों ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का असली सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।